सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब यूनिक एजुकेशन चैनल को और इस यूट्यूब के बेल आइकन में क्लिक करें और ऑल नोटिस में क्लिक करें और ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो देख लेंगे। सबसे पहले थैंक यू फ्रेंड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कोमल कुमार है और आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे हाउ टू इंस्टॉल टर्मैक्स एप्लीकेशन, कैसे हम टर्मैक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और कैसे कैसे डाउनलोड करें। तो इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको टर्मैक्स की इंस्टॉलिंग की जानकारी मिल पाएगी। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। तो पहले आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, क्लिक करना है और यहाँ आ रहा है सर्च बार आ रहा है, इस पर यहाँ टैप करना है और यहाँ टाइप करना है टर्मैक्स। टर्मैक्स जैसे ही आप टाइप करेंगे और टर्मैक्स और यहाँ सर्च बार पर टाइप करेंगे टर्मैक्स, एंटर करेंगे और टर्मैक्स एप्लीकेशन आएगी। अब इस पर देखेंगे ये इस पर रेटिंग है, अबाउट पे जाते हैं, 10 मिलियन यूज़र्स ने डाउनलोड कर लिया है। अब जैसे इस पर टाइप करेंगे इंस्टॉलिंग के जहाँ बटन आएगा इस पर क्लिक कर देना है और आपकी एप्लीकेशन है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। फ्रेंड सत्रह पॉइंट छप्पन MB की साइज़ की MB की फाइल जो एप्लीकेशन है ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कितनी देर में डाउनलोड हो गया। इंटरनेट स्पीड अभी स्लो आ रही है इसलिए तो डाउनलोड 1 MB की स्पीड आ रही है, जल्दी इंस्टॉल हो गया। तो फ्रेंड ये इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉलिंग हो रही है, इंस्टॉल हो गया। अब जैसे ही हम इस अबाउट सेक्शन में जाएंगे और ये लिखा है टर्मिनल इमुलेशन फिक्स हैंडलिंग डिक्रिंग और सिक्वेंस इशू फिक्स क्रैश यूजिंग रन कमांड सर्विस यूज प्रोग्राम सेशन फुल रिक्वेस्ट अपडेट बूस्ट ट्रैप बूट बूस्ट स्ट्रैप और चिप्स। इस टर्मिनल एमुलेटर है जो लिनक्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें आपको टर्मैक्स की कम्बाइंड पावरफुल टर्मिनल एमुलेटर मिलते हैं इसमें, जिसमें लिनक्स पैकेज बहुत ही कलेक्शन बहुत सारे पैकेजेस होते हैं इसमें। आप इंजॉय द बेस एन ZSHCLV इसमें फाइल मैनेज कर सकते हैं। इसमें NN रेडिट डैम नैनो बीम और इमेज इस तरीके के टूल इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस सर्वर्स ओवर SS डेवलप इन सी विद सी लैंग्वेज, इसमें आप सी लैंग्वेज और कभी यूज़ कर सकते हैं। मेक एंड GDB और यूज़ द पाइथन कंसोल, इसमें पाइथन का भी आप इसे पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें इंस्टॉलिंग करके पाइथन का भी आप इसमें सीख सकते हैं। चेक आउट आउट प्रोजेक्ट विद गिट, इस पर गिट कमांड को भी इस पर प्रोजेक्ट चेक कर सकते हैं। रन टेक्स्ट बेस्ड गेम भी इसमें खेल सकते हैं, आप गेम भी इसमें खेल सकते हैं। और इस पर देखते हैं एवर्जन है 0.101 और इसे अपडेट किया था सितंबर 2020 और डाउनलोड यूज़र हैं 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़। ऑफर्ड वाइड है फेडरिक और रिलीज्ड ऑन 30 जून 2015 को रिलीज़ किया था। ऐप परमिशन स्टोरेज रीड द कंटेंट ऑफ योर SD कार्ड मॉडिफाई और डिलीट कंटेंट ऑफ योर SD कार्ड अदर में है। रन और फॉरग्राउंड सर्विस हैव फुल नेटवर्क एक्सेस व्यू नेटवर्क कनेक्शन आस्क टू इग्नोर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन कंट्रोल वाइब्रेशन दिस ऐप कैन अपीयर ऑन टॉप ऑफ अदर एप्स प्रिवेंट फोन फ्रॉम स्लिपिंग। ये स्टोरेज परमिशन है, इसमें रिक्वेस्ट एक्सेस है, इसे आप परमिशन अलाउ कर सकते हैं टर्मैक्स के लिए। नेक्स्ट अब इस पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके देखते हैं क्या 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 है। अब ये इंस्टॉलिंग हो रहा है, इंस्टॉलिंग हो गया। जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो वेलकम टू टर्मैक्स, टर्मैक्स की अगर वाई की इसमें HTTPS कम्युनिटी फ्रॉम गिटर चैट है, इसमें IRC चैनल सर्च पैकेजेस वर्किंग विद पैकेज, इसमें पैकेजेस वर्क कर सकते हैं। पैकेजिंग सर्च पैकेजेस इंस्टॉल आप पैकेजेस पैकेज को सर्च करना है तो आप PKG सर्च क्वेरी आगे लिखेंगे जो भी सर्च कर सकते हैं पैकेज को।
इंस्टॉल आप पैकेज पीकेजी इंस्टॉल आप किसी भी पैकेज को आप इंस्टॉल करना है तो पीकेजी इंस्टॉल कमांड का यूज़ करेंगे और आगे उस पैकेज का नाम लिख देंगे, आप पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा इसकी मदद से। अगर आपको पैकेज जो टर्मैक्स एप्लीकेशन को अपग्रेड करना है, मतलब वर्जन अपग्रेड करना है, मतलब कि अपडेट करना है, तो इसे अपने पीकेजी अपग्रेड और उसका नाम लिख देंगे और अपग्रेड हो जाएगा। मान लीजिए सब्सक्राइबिंग टू एडिशनल रिपोजिटरी, अगर मान लो रूट करना है आपको तो पीकेजी स्टोर रूट रिपोर्ट रिपोर्टरी करनी, अनस्टेबल पीकेजी स्टॉल अनस्टेबल रिपोर्टरी पीकेजी स्टॉल X11-repo रिपोर्ट इशूज, अगर आपको रिपोर्ट करने किसी भी चीज़ कोई भी इशूज़ आ रहे हैं तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं फ्रेंड। अब हम आपको सिखाएंगे कुछ कमांड है, इस पर हम दिखाते हैं। मान लीजिए अगर आप पहली बार जब भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो अब इस तरीके से इंटरफेस आएगा टर्मैक्स का, तो हम पहले से अपडेट करते हैं। अपडेट करने के लिए एक कमांड है apt update। जैसे इस कमांड को एंटर करेंगे तो ये अपडेट होगा, इनवैलिड आ रहा है, सॉरी मैंने गलत लिखा, apt फिर से कमांड लिखता हूँ और अपडेट update इस कमांड को लिखेंगे आ अपडेट होने लगेगा फ्रेंड। वर्किंग हो रही है, ये हो गया। अब मुझे अपग्रेड करना है, मतलब अपग्रेड करना है इसे, तो इस कमांड अपग्रेड कैसे करेंगे, कमांड है apt upgrade। इस कमांड से आप जो वर्जन सारे अपग्रेड हो जाएंगे, मतलब अपडेट हो जाएंगे, तो फ्रेंड ये कमांड भी लगानी होती है। नेक्स्ट और बाई, इसे बाई परमिशन दे देंगे, यस कर देंगे, यस और नो, तो हमें बाई करना है, यस करना है, अपग्रेड करना है ना, अपग्रेड हो रहा है। तो फ्रेंड अपग्रेड हो रहा है, अपग्रेड चल रही है, इंस्टॉलिंग प्रोसेस चल रही है। आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है आप कितनी देर में हो पा रहे हैं, पेशेंस रखें, कीप पेशेंस फ्रेंड, अपडेट हो जाएगा। मान लिया आपका अगर ये इस तरीका से रुक जाता तो आपको बाई प्रेस करना है, फिर एंटर कर देना है, फिर से स्टार्ट हो गया अपडेटिंग अपग्रेडिंग हो गया, फिर रुक गया, अब फिर आपको कोई दिक्कत आती है फिर से तो आपको बाई प्रेस करना है, यस या नो, तो मैं यस करना है, फिर मांग रहा है यस, आप ये दिक्कत आए तो आपको यस यस करते जाना है जब तक कि ये प्रोसेस पूरा ना हो जाए फ्रेंड। कंप्लीट हो रहा है, वर्किंग चल रही है, स्टार्ट है फ्रेंड, अपडेटिंग हो गया हमारा जो टर्मैक्स टूल है, अपडेट और अपग्रेड दोनों हमने कर लिए फ्रेंड। अभी हमारा टर्मैक्स रेडी हो गया, अब हमें इसे क्लियर करना है तो हमें कमांड लिखनी है, इससे पूरे टेक्स्ट को क्लियर करना है तो हमें कमांड लिखनी है clear क्लियर क्लियर, तो हमारी स्क्रीन इससे क्लियर हो जाएगी। अब हमारा ये टर्मैक्स है बिल्कुल रेडी हो जाए हो गया, टर्मैक्स हमें यूज़ करने के लिए अब ये टर्मैक्स बिल्कुल रेडी हो गया। तो फ्रेंड नेक्स्ट अगर मान लो आप इस पर काम करेंगे तो आप मान लीजिए सेशन क्रिएट करने हैं, तो आप जिसे मान लीजिए आप उस कीवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको जो कीवर्ड है ये नहीं दिखाई देगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप कीवर्ड अपीयर हो जाएगा। अब न्यू सेशन क्लिक करना है तो हमारे जो कीवर्ड पर क्लिक करेंगे अब हमारा जो कीवर्ड है अपीयर नहीं होगा, हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे और वो अपीयर होने लगेगा, कीवर्ड का मतलब होता है अपीयर नहीं होगा, कीवर्ड पर क्लिक कर देंगे नॉट अपीयर। अगर हम मान लो हमें सेशन क्रिएट करना है, ये सेशन क्रिएट करेंगे टू सेशन होंगे, मान लो तीन सेशन करने हैं, तीन सेशन क्रिएट हो गए। अब जिस सेशन में हमें काम करना है उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, एलएस इनके लिए कुछ नहीं क्लियर।
कुछ नहीं, हमारी डायरेक्टरी में कुछ नहीं। अब हम मान लीजिए हम इसे वन वन है जो वन न्यू सेशन है, थ्री थ्री सेशन है, हमें इसे बिल्कुल क्लियर करना है। तो हम इस पर क्लियर करेंगे, और जैसे हम थ्री सेशन से सेकंड सेशन में जाना है तो हम ये टाइप करके रखेंगे और मोर मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारा जो किल प्रोसेस है इस पर क्लिक करेंगे तो किल कर देंगे, हमारा जो थ्री सेशन है वो एग्जिट हो जाएगा टू सेकंड सेशन में। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे और सेकंड सेशन पर चला गया। जैसे ही हम अब इस पर क्लिक करेंगे, अब हम इस फिर क्लिक करके रखेंगे विंडो पे टर्मैक्सी, और इस पर क्लिक करके छोड़ेंगे और मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर क्लिक प्रोसेस पर करेंगे तो हमारा जो वन सेशन पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। फिर एंटर करेंगे, हमारा वन सेशन पे चला गया। और बाकी आप एग्ज़िट से भी कर सकते हैं, एग्ज़िट कमांड से आप भी बाहर जा सकते हैं। और हो गया, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट। और आपने सीखा हाउ टू इंस्टॉल टर्मैक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, टर्मैक्स के ने सेशन के बारे में बताया, टर्मैक्स को मतलब अपडेट अपग्रेड कैसे करते हैं वो सारे कमांड हमने कर लिए। और टर्मैक्स अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे बेसिक कमांड, जिसमें हम 20-30 मिनट की वीडियो को पूरा बेसिक कमांड ना हम उसमें रन करके दिखाएंगे कैसे आप उस पर सीख सकते हैं, कैसे उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय टिल देन, थैंक यू, गुड बाय फ्रेंड।